और हमने पूछा था तो बोल रहे थे कि होली में आएंगे। ये फरवरी में आने कह रहा था। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी साजिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन PAFF ने सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया। इस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। बता दें कि इन शहीदों में कानपुर के करण यादव भी शामिल थे। उनकी शहादत की खबर जब उनके गांव पहुंची तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। उनके परिवार में मानो कोहराम मच गया हो और हर तरफ चीख पुकार मच गई। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले करण यादव ने बहन की शादी धूमधाम से करने का वादा किया था। करण के बारे में बात करते हुए उनके भाई बार बार भावुक हो उठे। घर हमने पूछा था तो बोल रहे थे कि होली में आएंगे। होली में? हाँ, अभी नहीं आएंगे। हमने कहा था कि मेला है, आ जाते छुट्टी लगा के, तो कह रहे थे छुट्टी नहीं मिली, यदि होली को आएंगे। कहाँ पोस्टिंग थी भाई? तब तो जम्मू में ही थे। जम्मू? हाँ। उन्होंने बताया कि करण ने होली में घर आने का वादा किया था। हालांकि करण के घर आने से पहले उनकी शहादत की खबर आ गई। वहीं करण के पिता भी बेटी की शहादत से गमजदा हैं और बेटी को याद कर भावुक हो रहे हैं। शादी हो चुकी है तो फैमिली, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हैं, दो बच्चे, एक लड़का है। कौन कौन है यहाँ पर? यहाँ पर मतलब जो है दो बहनी है, मतलब उनकी। हाँ हाँ, करण की। करण के मतलब एक लड़की है, एक लड़का करण का, और एक साल की लड़की है, वो लड़का है एक साल का, और 6 साल की लड़की होगी करण की। करण से आखिरी बार आपसे बात हुई थी कब? परिवार से ये परसों हुई थी। बता दें कि आतंकियों ने सेना के जवानों के ऊपर उस वक्त हमला किया था जब जवान एक जिप्सी और एक मिनी ट्रक के साथ राजौरी की तरफ जा रहे थे। इस दौरान जैसे ही सेना की गाड़ियां टोपा पीर के नीचे पहुंची, पहले से घात लगाए बैठे इन कायर आतंकियों ने हमला बोल दिया। इस हमले के बाद पाकिस्तान समर्थित ये आतंकी आसपास के घने जंगलों में छिपे हुए हैं। इन आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टाइम्स नाउ, भारत, डिजिटल की रिपोर्ट।